अभी सुबह के 8 बजे हैं और इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो है -6। वंस अ लाइफ टाइम आपको यहाँ पे आना चाहिए। अभी स्नोफॉल चालू हो चुकी है, गाड़ी में हो तो कितनी अच्छी लगती है ना स्नोफॉल, और जब बाइक पे हो तो वापस आएंगे यहीं पे और यहीं पे आके स्टे करेंगे। टेंशन ये भी है कि गोप्रो को कोई दिक्कत ना हो जाए। वेदर थोड़ा सा ठीक हुआ है तो मैंने सोचा यार चलो कैमरा लगा लिया जाए। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, की हाल चाल, मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों आपका स्वागत है आज काजा सिटी से। अभी सुबह के 8 बजे हैं और इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो है -6। हमारा लास्ट डे है काजा में, तो हम अभी वापसी अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि सुबह सुबह इतने प्यारे व्यू से अपना व्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए, तो मैं छत पे आ गया। अभी छत पे खड़ा हुआ हूँ होटल की और बहुत बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार व्यू है। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप अगर थोड़ा सा जूम करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गोप्रो से मैं जूम नहीं कर सकता, वो देखिए वो सामने इंडियन फ्लैग बने हुए हैं, मेरी जान हमारे देश की शान, और साथ पे कुछ मैसेज भी लिखे हुए हैं जो कि मैं अभी नहीं आपसे पढ़ पा रहा क्योंकि प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा विंड नॉइस आएगा तो प्लीज़ बेयर कर लेना। उसका रीज़न ये है कि मैंने अपना सारा सामान पैक कर दिया हुआ है, जो माइक्रोफोन वगैरह होते हैं वो भी सब मैंने पैक कर दिया हुआ, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ ऐसी आ रही है। ये देखिए साथ में अभी आप देख रहे हैं वो जो पहाड़ों के बीच में आपको ग्रे कलर की आइस नज़र आ रही है ना, वो अभी रिसेंट ताज़ी ताज़ी पड़ी है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे काजा सिटी में भी हल्की हल्की स्नोफॉल हुई है, -6 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम। दिल तो नहीं कर रहा दोस्तों यहाँ से जाने का, बट क्या करें, मजबूरी है भाई, आगे भी काम देखने हैं या आगे भी और ट्रैवल करना है। बार बार मैं एक बात बोलूँगा, पहले भी मैंने अपने ब्लॉग में बोली है कि अब समझ में आता है कि लोग काजा क्यों आते हैं। इतना टफ रास्ता है, इतना हार्श वेदर है, सब कुछ है, फिर भी लोग क्यों आते हैं पता लगता है। इस जगह पर एक ना इश्क है जो कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उसको फील करने के लिए या उसको देखने के लिए ना वंस अ लाइफ टाइम आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके आगे का अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको पहले बताता हूँ ब्रेकफास्ट पे। ये नरेंद्र जी लगे हुए ब्रेकफास्ट पे, ये देखें अभी ये हमारे शर्मा जी ने बनाई है भाजी और साथ में बने ही पूड़ियाँ। हाँ जी भाई लोग, कैसा चल रहा है ब्रेकफास्ट? भाई सबसे पहले हम भाभी से पूछते हैं, इनको खाना पसंद नहीं आ रहा था, भाभी कैसा लगा खाना? हाँ जी, तो चलिए हम भी ब्रेकफास्ट करते हैं। दोस्तों निकलने का टाइम हो चुका है, बट मदर नेचर को कुछ और ही मंजूर है। अब वो क्या है वो मदर नेचर ही जाने। अभी स्नोफॉल चालू हो चुकी है, बाइक मेरी स्टार्ट है, रेडी है, बाकी लोगों की गाड़ियाँ भी रेडी हैं। अभी इस टाइम पे ठंड ने बैंड बजा के रखी हुई है, मैं पूरी तरह पैक हो चुका हूँ। अभी वही टेंशन है कि थोड़ा सा आगे जाके कहीं रेन ना मिले अपने को, तो जो भी होगा वेदर देखा जाएगा, अब निकलना है तो निकलना है। चलिए दोस्तों आज की राइड स्टार्ट हो गई है, अब ख़राब वेदर के साथ ही सही। अब यार टेंशन सबसे बड़ी यही है ना, वाइज़र बंद करके चलाऊंगा तो फॉग हो रही है, वाइज़र खोल के चला रहा हूँ तो स्नो सीधी आके मुंह पे पड़ रही है दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ, तो लगता है वाइज़र खोल के चलाना पड़ेगा, फॉग में तो चला नहीं पाऊँगा। हाँ हाँ, आप नज़ारा देख रहे हो स्नोफॉल का, गाड़ी में हो तो कितनी अच्छी लगती है ना स्नोफॉल, और जब बाइक पे हो तो क्या हालत होती है आप खुद समझ सकते हो। दोस्तों अभी थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत आएगी क्योंकि वाइज़र खोल के चलाना पड़ रहा है, तो प्लीज़ बेयर कर लेना, बट यार मज़ा आ रहा है सच्ची में। ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो वो लाइफ टाइम, तो चलो आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ आज मैं पहली बार कर रहा हूँ। अभी मेरे मुँह के अंदर सोच आ रही है तो वाइज़र मैंने बंद कर लिया है। अब एक टेंशन और भी है ना कि अभी स्नोफॉल हो रही है तो हो सकता है आगे ताबों से आगे जाके बारिश मिल जाए। अब जो भी मिले भाई, बस मुझे तो और कोई टेंशन नहीं, सिर्फ गोप्रो की टेंशन है। तो फिर अगर बारिश मिलेगी तो मैं गोप्रो उतार दूंगा। शर्मा जी मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। दोस्तों हमने आगे का सफ़र अपना शुरू कर दिया है, वो सब लोग पीछे खड़े हैं, अब देखते हैं आगे चल के वेदर कैसा है या रास्ता कैसा है। अगर तो सब क्लियर होगा फिर तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग वापस आएंगे यहीं पे
और यहीं पे आके स्टे करेंगे। वाइज़र में फॉग आ गई है, उस वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा चलाना, बट अब रुकना भी कोई काम नहीं है, चलते जाना है। मैंने थोड़ा ट्राई किया, मैं कहा चलो वाइज़र खोल के चलाता हूँ, बट वाइज़र खोलने का तो कोई हाल ही नहीं है, मुंह पे स्नो ऐसे लग रही है जैसे गोली मार रहा होता कोई। अभी गोप्रो पे क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं रिकॉर्ड हो रहा मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरा हेलमेट पूरी तरह से मुझे अंधा बना चुका है। मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ बाइक पे, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ से मतलब वाइज़र बंद करके निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। टेंशन ये भी है कि गोप्रो को कोई दिक्कत ना हो जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी सोच रहा हूँ यार गोप्रो निकाल देता हूँ, यही बेटर रहेगा। तो चलिए आगे जहाँ थोड़ा वेदर ठीक होता है मैं आपको फिर वहाँ पे मिलता हूँ। वेदर थोड़ा सा ठीक हुआ है तो मैंने सोचा यार चलो कैमरा लगा लिया जाए, क्योंकि मदर नेचर ने जो यहाँ पे कलाकारी दिखाई हुई है ना, अगर मैं अकेला देखूँ तो जायज़ नहीं होगा, सही नहीं होगा मतलब, इसलिए फिर मैंने अभी देखा जब वेदर ठीक है तो चलो कैमरा लगा लेते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम है फॉग की वो तो आती जा रही है यार, वो मैं देखता हूँ जितनी देर मैं चला सकता हूँ बाइक वाइज़र बंद करके, ताकि आपको आवाज़ सही से आए, उतनी देर चलाऊँगा। आप मेरे सामने देखो कुछ मदर नेचर की कारीगरी और कुछ इंसान की कारीगरी, किस रोड को इस पहाड़ों को काट काट के कैसे रोड बनाए उन्होंने, रोड काफ़ी ख़राब है। अभी फिर से हेलमेट फॉग आ गई थी तो हेलमेट मैंने सॉरी वाइज़र खोल दिया है ताकि आपको व्यू दिखा सकूं। आप तो वैसे ही व्यू देख रहे हो, मतलब मैं ताकि आपसे बात कर सकूं। अगर वही अपना कुंजुम पास का रास्ता खुला होता तो हम लोग मनाली होकर निकल जाते, लेकिन अभी वो रास्ता बंद पड़ा हुआ है तो उधर से जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ठंड लग रही है, जैसे मैंने बताया आपको कि वाइज़र खोल नहीं लाता हूँ, बीच बीच में बंद कर देता हूँ, बीच बीच में खोल देता हूँ, फॉग ज़्यादा हो जाती है तो मैं अपना वाइज़र खोल देता हूँ हेलमेट का। ये देखो सामने आप रोड चेक करो, मतलब इतनी एडवेंचरस रोड है ना, इतनी मज़ेदार रोड है और रिस्की भी बहुत है, आपका ध्यान एक सेकंड के लिए नहीं इधर उधर होगा कि काम हो गया। अब यहाँ पे ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं कैमरा बंद ही ना करूँ। What happened? Good morning. Good morning. How are you? I just wondered you come down from Kaza. Yeah, yeah. That's the road. It's all like that? Yep. Yeah. No snow. Like this? Yeah, no snow, just like this. Yeah, yeah, yeah. Thank you so much, brother. You are from? Huh? You are from? Australia. Oh, nice to meet you, brother. Nice to meet you. Give me a hug. Give me a hug. biker buddies. Okay. Yes, it's, I just wonder what the whether there was snow on the road. That's all. There is a little snowfall on the way. Snow the other way. Yes. Yes. Little snowfall. I go as far as Kaza and then I have to come back. Yeah. Why? You can stay Kaza. Not go through the Manali. No. The route is closed. Yes. The Kunzu Pass is closed right now. Yes. So you have to come back again. Yes, that's right. You can stay in Kaza. Yes. Kaza is a beautiful place. Yes. Stay yes. in Kaza yes. and then go around. Yes. There are many places to around to watch. I will do day trips from Kaza. Yeah. I will come back. Sure. That's good. Thank that's good. So okay, buddy. Yeah, okay, bye. Nice bike. Thank you. The little KTM. Ultimate bike. It's old like me. What is the model? Sorry? What is the model? It's an R100 GS Paris Dakar. No. What is the year of making? 92. 92? 92. Oh, yeah, that's good. But the tough machine. Yeah. I love it. Okay, nice to meet you. Yes, likewise. Okay, bye. Safe riding. See ya. Hot, nice and hot. Thank you. See you later. Sure. भाइयों खुद देख लो कि जो इस रोड का नज़ारा है ना, मतलब जो ये रीजन है स्पीति रीजन, स्पीति का जो नाम मेन है वो स्पीति रिवर के ऊपर है। ये देखिए जो नीचे रिवर जा रही है ये स्पीति रिवर है और इसी रिवर के नाम पे इस पूरे एरिया का नाम है स्पीति वैली। अभी मैं पहुंच गया हूँ ताबो, प्यास बहुत लगी थी यार, बहुत बुरी हालत थी, तो सबसे पहले यहाँ पे पानी की बोतल ली, उसके बाद मैंने वीडियो ऑन किया है।
हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी प्यास से, क्योंकि ना ठंड में लोग कहते हैं हमें प्यास नहीं लगती, मेरा सिस्टम भाई उल्टा है, मेरे को प्यास बहुत लगती है ठंड में। यहाँ पे ना सिवाय कुदरत के नज़ारे के और कुछ भी नहीं है, और जो वेदर का जो मज़ा है ठंड का वो है, मतलब हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। जैसे अब यहाँ पे है, अगर मैं बाइक पे हूँ तो यहाँ पे अगर वेदर अच्छा मिल रहा है तो बारिश काम खराब कर रही है। ऐसा है, एक अपडेट आपके लिए, मैं अभी ड्रोन शॉट ले रहा था, जो शॉट अभी आपने देखे हैं, हेलमेट मैंने अपना सीट पर रखा हुआ था, एकदम से हवा आई, हेलमेट मेरा नीचे गिर गया। अब उससे हुआ क्या कि जो फ्रंट पे मैंने माउंट लगाया हुआ था गोप्रो का, वो मेरा माउंट टूट गया। अभी मैं हाथ में गोप्रो पकड़ के अपना व्लॉग कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो हेलमेट है, हेलमेट का जो ये फ्रंट पे माउंट था लगा हुआ, वो अभी टूट चुका है। अभी आपको कैसा व्यू आ रहा है, कैसा व्यू नहीं आ रहा, मुझे नहीं कुछ भी पता। उसका मेन रीज़न क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे पास जो मेरे गोप्रो पे एक्सटेंशन लगी हुई थी, जहाँ से मुझे प्रॉपरली विजिबल व्यू आ जाता था कि मैं क्या आपको दिखा पा रहा हूँ या क्या नहीं, वो तो टूट गया। तो अभी मुझे एकदम से ध्यान आया, यार मेरे बैंक बैग में एक ना माउंट और पड़ा हुआ है, कम से कम गोप्रो अटैच तो हो जाएगा। तो फिर मैंने अभी वही अटैच किया है। अब आपको क्या व्यू आ रहा है, क्या व्यू नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। वो कहते हैं ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है, तो वही चीज़ अभी मैंने अप्लाई की है। अब देखिए, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए कि आप कैसा व्यू आ रहा है, क्योंकि बॉस मुझे तो पता लगेगा जब मैं एडिटिंग शुरू करूँगा। क्योंकि यार जो यहाँ पे व्यू आ रहे हैं ना, अब औरों को मुझे नहीं पता, मेरा मन ये कहता है कि यहाँ का जो व्यू है या जो रोड अपडेट है वो आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। काजा जाने के लिए जो भी बंदा प्लान कर रहा है, आपको चंडीगढ़ से लेके या लुधियाना से लेके आपको काजा तक का पूरा रोड अपडेट मेरे व्लॉग में मिल जाएगा, जो आपने पहले व्लॉग देखे उनमें भी और जो अभी आप आगे देखोगे उससे भी। तो अब जैसे भी आ रहा है वीडियो, एडजस्ट करना थोड़ा सा यार। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो एडिट करने बैठा तो मैंने यहाँ पर रियलाइज़ किया कि यार वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा था। तो अभी क्या है कि आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन देने के लिए और यहाँ के नज़ारे दिखाने के लिए, मैं अभी क्या है कि इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। अभी आपने देख लिया है पार्ट वन, नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखोगे पार्ट टू, जिसमें आपको काजा रोड की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस। साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय बाय।